सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं आज की प्रातः में आपका स्वागत करता हूं। हम धन्यवाद करें परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक नया दिन दिया है, उसने हमें फिर से एक नया मौका दिया है कि आज के इस पवित्र दिन में हम इस सृष्टि का आनंद ले सकें, परमेश्वर की शुक्रगुजारी करें आज के इस पवित्र दिन के लिए, उसके महान चिन्ह और चमत्कारों के लिए हम उसका धन्यवाद करें। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आप में से जितने भी लोग मेरे साथ इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, आइए हम परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें कि उसने हमें फिर से एक नया दिन देखने को दिया है। इस पूरे दिन भर में हम उसकी शुक्रगुजारी करें। हम जिस किसी व्यक्ति से भी मिलें, उसमें ईश्वर का रूप देख सकें, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने कामों के लिए ईश्वर से बरकत मांगें। आइए बड़ी भक्ति और सादगी के साथ हम उस परम पिता ईश्वर की जय जयकार करें, जिसने इस पृथ्वी को बनाया, इस सृष्टि को उसने सजाया संवारा। नदियां, पर्वत, पेड़, पौधे, सब कुछ उसने बड़ी ही सादगी के साथ, शिद्दत के साथ सजाया है। प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे और आपके लिए ये सुंदर मौका है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी जय जयकार करें। आइए हम एक साथ मिलकर प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाएं। जय जय
हालेलुया 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर की महिमा हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हे पिता ईश्वर, आज के दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अपने परिवार के लिए, अपने कामकाज के लिए, अपनी संतान के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया हे प्रभु यीशु, आप दयावान हैं, आप दया के सागर हैं। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपके चरणों में आया हूँ। मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए, मेरे कामकाज पर दया कीजिए। हालेलुया हालेलुया। प्रियजनों, आज के इस पवित्र दिन में मेरे और आपके लिए निहायत ही जरूरी है कि हम ईश्वर को धन्यवाद दें। हम भले चंगे हैं, चल फिर सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज का ये नया दिन नहीं देखा है। कितने ऐसे लोग हैं जो दुर्घटना में मारे गए हैं, ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें हृदय घात हो गया, पैरालाइज के अटैक आ गया और वो रोगशैया पर है। ना जाने कितने अस्पतालों में रोगशैया पर पड़े हुए हैं। उनके लिए प्रार्थना करना और प्रभु की कृपा उनके लिए मांगना, साथ ही साथ अपने जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद करना, ये आज मेरे और आपके लिए निहायत ही जरूरी है। प्रभु का वचन हमें बताता है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 और उससे आगे, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। प्यारे भाई प्यारी बहन, आप में से जो आज अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे हैं, हो सकता है आर्थिक तंगियों के कारण, हो सकता है परिवार में कलेश के कारण, हो सकता है बिजनेस में सफलता नहीं, इसलिए अपने आप को हारा हुआ, थका हुआ और निराश महसूस करते हैं। प्रियजनों, आज का यह पवित्र दिन निराश होने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए है। असफलता और सफलता सब चीज के लिए धन्यवाद करना। प्रभु भले और बुरे दोनों पर अपना सूरज उगाता, बाइबल कहती है। आप उसकी शांति को अनुभव करना चाहते हैं, उसके प्रेम को अनुभव करना चाहते हैं, तो प्रभु हमें समझाता है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 और उससे आगे, कि तुम सबसे पहले ईश्वर और उसके राज्य की खोज करो और बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगे। प्रभु का वचन संत पौलुस के द्वारा हमें बताया गया है, लिखा है कि तुम ऊपर की चीजें खोजते रहो, तुम आत्मा के उत्तम वरदानों की अभिलाषा करो। आज के इस नए दिन में आप क्या करने वाले हैं? मैं जानता हूं कि आप अपने कामों में व्यस्त रहेंगे। हो सकता है आपके जिंदगी में ऐसे मौके आए जब आप परमेश्वर के कामों को करने की इच्छा जाहिर करें, परंतु किसी कारणवश हो सकता है कि आप उस काम को ना करने पाए। परंतु संध्या के समय आकर मनन चिंतन करना, अपने घर में लौट के आकर परमेश्वर का धन्यवाद करना कि प्रभु तू जो कुछ करता है ठीक ही करता है, तू जो कुछ करता है प्रेम से करता है, हमारी जिंदगी में सब तेरी मर्जी के अनुसार होता है। सुख दुख, सफलता असफलता मैं अपने जीवन में रोज अनुभव करता हूं, लेकिन यदि तू मेरे साथ है, यदि तू मेरी ढाल है, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, तो मुझे कभी निराश नहीं होना पड़ेगा, मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है, क्योंकि तू दुखियों से दूर नहीं है, उनकी पुकार को सुनता है। प्रियजनों, आज आप में से जो बीमार हैं, जो दुखी हैं, कष्ट में हैं, पीड़ा में हैं, चिंता में हैं,
प्रभु आपके लिए एक सुंदर वचन दे रहा है। भजन संहिता 34 पद संख्या 18 और उससे आगे कि प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे वचन को दोहराइए, हालेलुया। भजन संहिता 34 पद संख्या 18 प्रभु का वचन कहता है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 4, वह अपनी प्रजा के बीच निवास करेगा और उनके आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 प्रभु का वचन कहता है, तुम अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दो क्योंकि वह तुम्हारी सुधि लेता है। हालेलुया, हालेलुया। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, आज अपनी सारी चिंताएं प्रभु पर छोड़ना, क्योंकि वचन कहता है, करता हूँ मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है, करता हूँ मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है। हम भाई के साथ इस गीत को गाएंगे, प्रभु हमें आशीष दे, अपनी सारी चिंताओं और अपने सारे बोझ को हम प्रभु के हाथों में समर्पित करें, क्योंकि वो हमारा युद्ध लड़ेगा, वो हमारी चिंता करता है, वो हमें प्यार करता है। प्रातः की इस बेला में जब आप अभी अभी नींद से जागे हैं और मुँह हाथ धोकर आप परमेश्वर की हजूरी में हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, अंगीकार करना, धन्यवाद करना कि हे प्रभु, जब तू मेरे साथ है मुझे किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि तू मेरी चिंता करता है।
खुशियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। सभी कहें, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है। अद्भुत कार्य क्यों ना करूंगा, इब्राहिम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूंगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी करने के योग्य हूँ। एक साथ कहें, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है। सांसों की घाटियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। मैं साथ करता हूँ मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है। सच है मेरे प्रियजनों, हमारा परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है प्यारे भाइयों और बहनों। वो चिंता करता है, जब दुनिया सोती है तो बाइबल कहती है वो जागता है। इज़राइल का ईश्वर, इब्राहिम इसहाक और याकूब का ईश्वर ना तो कभी सोता और ना कभी झपकी लेता है। प्यारे भाइयों और बहनों, जिस तरह पानी किनारों के साथ जागता रहता है, उसी तरह परमेश्वर भी अपने प्रिय बच्चों के लिए जागता रहता है। यही कारण है कि मैं और आप सुरक्षित हैं। वो शैतान की सारी बदरूहों से, हर प्रकार के उसके षड्यंत्रों से हमें बचाता है। ये तो केवल इंसान है जो नादान है, जो उसके रास्ते से भटक जाता है और खो जाता है। जैसे भेड़ अगर झुंड से अलग हो जाती है, रास्ता भटक जाती है, खो जाती है और जंगली जानवर उसे आकर खा लेते हैं, उसे घायल कर देते हैं, उसी तरह से इंसान भी जब परमेश्वर की हजूरी से दूर जाता है, उसके वचन से दूर जाता है, तो वो भी खो जाता है। आज सिर्फ इतनी बात याद रखना, आप जहां कहीं भी हैं, जिस किसी परिस्थिति में भी हों, चाहे अपने दफ्तर में, घर में, खेत में, खलियान में, संस्था में, या फिर देश विदेश में, इस वक्त आप जहां कहीं भी, भले ही आप यात्रा कर रहे होंगे, आप महसूस करना कि परमेश्वर आपके आगे आगे चल रहा, आपसे प्यार करता, आपकी चिंता करता, आपको दुर्घटना से बचाता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। ये यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 42 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन हमें बताता, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैंने तुम्हें अनंत प्रेम से प्रेम किया। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, वो प्रतिज्ञाएं प्यारे भाइयों और बहनों निरंतर हमारे जीवन में पूरी करता है, जिन्हें वो यूं कहता है, जो शपथ मैंने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, मैं उसे जब तक पूरा ना कर दूं चुप नहीं बैठूंगा, मैं अपने सारे वादों को मैं तुम्हारे साथ निभाऊंगा, पूरा करूंगा। इसलिए कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस दूसरे पत्र में अध्याय 1 पद संख्या 3 और 4 में कहता है, धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता, परम दयालु पिता ईश्वर, हर प्रकार की सांत्वना का ईश्वर। सारी दुख तकलीफ में हमको वो सांत्वना देता रहता है, जिससे ईश्वर की ओर से
हमें जो सांत्वना मिलती है उसके द्वारा हम दूसरों को भी उनकी हर प्रकार की तकलीफ में सांत्वना देने के लिए समर्थ हो जाएं। तो जिस तरह परमेश्वर आपको सांत्वना देता है, जिस तरह परमेश्वर आपकी हौसला अफजाई करता है, जिस तरह परमेश्वर आपकी निगरानी करता, संभालता, बल प्रदान करता है, आप भी अपने भाइयों और बहनों के लिए, मित्रों के लिए सांत्वना का कारण बन जाएं, उनके लिए आशीष का कारण बन जाएं, उनके लिए प्रार्थना करना। और परमेश्वर आपसे और मुझसे आज वादा करता है, यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 10 और उससे आगे, डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता क्यों करते हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं अपने विजयी हाथ से तुम्हें संभालूंगा। बोलिए आमेन। हालेलुया। दाहिने हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, हालेलुया। हे पिता ईश्वर, मैं इस वचन को स्वीकार करता हूँ, मेरे जीवन पर आपका अधिकार है, आप मेरी रक्षा करते हैं, मेरी चिंता करते हैं, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, हे पवित्र आत्मा मुझे प्रेरणा दीजिए, आइए पवित्र आत्मा मुझ पर उतर आइए, हमें प्रेरणा दीजिए, आशीष प्रदान कीजिए, अपने वरदानों में हमें फलवंत कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने दोनों हाथों को खुला छोड़ें, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे। जो वचन हमने सुने हैं, पवित्र आत्मा हमें उनमें फलवंत होने की कृपा दे। हम अनुग्रह के सिंहासन के पास चलें, प्रभु से दया मांगें, जो दया करने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर है। समर्पित करना, आप जो इस वक्त अपने दफ्तर को जाने वाले हैं, अपने कामों के लिए निकलने वाले हैं अपने घर से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और बल को ग्रहण करें, आशीषों को ग्रहण करें और इन आशीषों में आप फलवंत हो जाएं। मुझ में ज्ञान की बात
जला, ज्ञान की बाती जला। हे ज्ञान दाता, प्रज्ञा प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ। हे ज्ञान दाता, प्रज्ञा प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ। एक साथ कहें, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने कोई बन देने, हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने जीवन देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ। एक साथ कहें, हे पावन आत्मा तू आ, पावन आत्मा तू आ, पावन आत्मा तू आ, पावन आत्मा तू आ। महसूस करें प्रभु का सानिध्य हमें घेरे हुए है, प्रभु का आत्मा हमारे ऊपर छाया हुआ है। आप में से जितने भी लोग आज इस वक्त मेरे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना के इस वर्शिप में भाग ले रहे हैं, आपने जो कुछ भी मांगा है प्रभु आपके जीवन में उसे पूरा करे। जैसा आपने विश्वास किया आज आपकी जिंदगी में वैसा ही हो जाए। आप में से जो बीमार हैं, रोग शैया पर हैं, चल फिर नहीं सकते, प्रभु आपके हाथ पैरों में बल प्रदान करें। उन डॉक्टरों को, उन नर्सेस को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं जो आपका इलाज करते हैं। उन औषधियों को प्रभु ब्लेस करें जिनका आप सेवन कर रहे हैं। जो विश्वास में कमज़ोर हैं प्रभु उनके विश्वास को दृढ़ कर। नौजवान बेटे और बेटियों को अपनी ओर आकर्षित कर। हे प्रभु यीशु, हमारे देश के सभी अधिकारियों, नेताओं, शासकों, प्रशासकों पर दया कर, सद्बुद्धि प्रदान कर, आशीष दे जिससे वे तेरी प्रजा की अगुवाई कर सकें। हे पिता परमेश्वर, हम तेरे अयोग्य सेवक सेविकाओं को आशीर्वाद दें, हम तेरी हजूरी में जीवन बिता सके। पिता परमेश्वर, तू दयावान, तू दया का सागर, दया करने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर है। हे प्रभु यीशु, आज तेरे स्वर्गदूत हमारी अगुवाई करें, तेरी आत्मा के फल हमारे जीवन में फलवंत होते जाएं। हे प्रभु, हमारे जीवन पर अधिकार ले, हमारे माता पिता, भाई बहन, सगी संबंधी, रिश्तेदार, पड़ोसी, सबके ऊपर तेरी आशीष बरसे। उन लोगों पर जिनके जीवन में आर्थिक तंगी है, उन लोगों के जीवन में जो शोषण के शिकार हैं, जो गरीबी की हालत में हैं प्रभु, जिन्हें सिर ढकने के लिए छत नहीं है, हे प्रभु इन पर दया कर, तेरा वचन इनके जीवन में महिमा पाए। हे प्रभु, तू दयावान, तू दया का सागर है, दया करने वाला, चंगा करने वाला है। हमारी आज की इन प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना, और तेरे इन बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करना। हाथों को जोड़ें, सिरों को झुकाएं। इस वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, प्रभु आपको आशीष दे। जब आप अपने घर जाते हैं और घर से बाहर जाते हैं अपने दफ्तरों के लिए, कामकाज के लिए, मार्गों में प्रभु आपकी अगुवाई करे, आशीष प्रदान करे। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, अपने इन दास दासियों पर दया कर, अपने भक्तों पर, अपने शागिर्दों पर दया कर, जो बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ तेरी हजूरी में उपस्थित होकर तेरा धन्यवाद कर रहे थे, अब ये अपने रास्तों में हैं, अपने दफ्तरों की ओर जाने वाले हैं। आज इनके काम काज, इनके दफ्तर, खेत कल्याण, मेहनत मजदूरी को आशीष प्रदान कर। तू दयावान है, अपने स्वर्गीय भंडारों से इनके भंडारों को भी आशीष प्रदान कर। अबा पिता, तू अपने दास की प्रार्थना को सुनना,
हमारी ये प्रार्थना वंदना तुझे पसंद आए और तू हमें आशीर्वाद प्रदान करे। हे अब्बा पिता, स्वर्ग द्वार खोल दे यीशु के नाम से। स्वर्ग दूतों का पहरा हमारे घरों पर आने दे। तेरे पावन क्रूस हमारे प्रांगण में लग जाए। मार्गों में आते जाते समय रास्तों में हमारी रखवाली कर। हर एक बदी से, हर एक दुर्घटना से हमें बचाने की कृपा कर। ये मेरा विश्वास है, मैं तुझ पर आस रखता हूँ। तू मेरी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता है। मूसा के जैसे हाथों को उठाकर दया की भीख मांगता हूँ और तेरी प्रजा के लिए मध्यस्थता करता हूँ। दया कर, दया कीजिए अब्बा पिता, नवजात शिशुओं पर, बच्चों पर, प्रसव पीड़ित महिलाओं पर दया कर, जिन पति पत्नियों में ईर्ष्या द्वेष के कारण लड़ाई झगड़े मनमुटाव है। आज इनके बंधन टूटे, शैतानी ताकतों के बंधन टूटे, रोग बीमारी के बंधन टूटे। जैसा इन्होंने विश्वास किया इनके जीवन में पूरा हो जाए। अपने दास की प्रार्थना कबूल करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब्बा पिता, मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे, तेरे इन बच्चों की दुहाई तेरे पास पहुँचे। जो प्रभु अपंग हैं, लूले लंगड़े चल फिर नहीं सकते हैं, इन पर दया कर, इनकी हड्डियों को आराम दे। जिनकी हड्डियां छीज रही हैं उन पर तेरी दया बरसे और तू इनके दुखों को हल्का कर। जितने भी लोग बड़े विश्वास के साथ आज की इस वर्शिप में भाग ले रहे हैं, जैसा इन्होंने विश्वास किया इनकी जिंदगी में पूरा हो जाने दे। मेरी ये प्रार्थना सुन ले, उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा।